आज जो टॉपिक हम आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको सिखाएंगे आईटीसी के बारे में कि आईटीसी क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन सी चीज का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमारा आज आपके साथ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8, जो बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि अगर आप परचेज करते वक्त जो भी टैक्स का पैसा उस शॉपकीपर को देते हो, उस कंपनी को देते हो, क्या तुम्हें उसका आईटीसी मिलेगा, उसी बात के लिए ये चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है आईटीसी। इस सेक्शन में आप सीखोगे आईजीएसटी की एडजस्टमेंट कैसे होती है और साथ साथ आप ये भी सीखोगे कि टोटल हम किन किन चीजों को आईटीसी नहीं ले सकते। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे ही मैं आगे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको लिखा हुआ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक पिक्चर बनी हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ऊपर दिखेंगे तो लिखा हुआ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जीएसटी सिस्टम इज दैट द जीएसटी टैक्स ऑन द इंटायर सप्लाई चेन एंड लेवी बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है जीएसटी के अंदर, चाहे किसी भी लेवल पर हो वो उसका आईटीसी क्रेडिट कर सकता है। लिखा हुआ है कि अनइंटरप्रेटेड एंड सेमलेस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हेयर आफ्टर रेफर टू अस आईटी इज द वन ऑफ द की फीचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी आई है ना, अगर उसका सबसे पावरफुल फ्यूचर की बात करें तो आईटीसी है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप कोई स्टेट से खरीदते थे माल तो वैट लगता था, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से माल खरीदते थे तो सीजीएसटी लगता था। तो अब वैट वाला बंदा सीजीएसटी का क्लेम नहीं कर सकता था, ठीक है, सीएसटी का क्लेम नहीं कर सकता था, और सीएसटी वाला वैट का क्लेम नहीं कर सकता था। तो इस जगह की प्रॉब्लम बनी रहती थी। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल ऐसा नहीं है। चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको आईटीसी मिल जाता है। चाहे आप गुड्स के पर्पस के लिए लो या फिर आप सर्विस के पर्पस के लिए लो, आपको उन चीजों का आईटीसी मिल जाता है। अगर हम आगे चले तो यहाँ लिखा है क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव टैक्सेस बीन लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अवेलेबल एज सेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइस वर्सा। कॉमन सी बात है, हमारी दो गवर्नमेंट होती है, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब हम सेट ऑफ करेंगे तब हम आगे आपको बताएंगे किस तरीके से सेट ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चर कैन नॉट बी क्लेम ऑफ एडजस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग टैक्स विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन वैट। आपको पता होना चाहिए जब पुराना लो था, जस्ट लाइक वैट, जिसका मतलब था वैल्यू एडिशन टैक्स, उस समय अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता था। क्लियर? अगर आप सर्विस की लाइन में होता तो उस जगह ऐसी दिक्कतें रहती थी, बट इस समय वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाओ, आप उसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी एग्जाम्पल आएगा इसके बाद। एज द टैक्स चार्ज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वुड बी द पार्ट ऑफ द सेम टैक्स रिजीम, ठीक है, द क्रेडिट ऑफ टैक्स पार्ट एट एवरी स्टेज वुड बी अवेलेबल एज सेट ऑफ फॉर पेमेंट और टैक्स एट एवरी सब्सिक्वेंट स्टेज। कह रहा है कॉमन सी बात है, आपको हर स्टेट पर आईटीसी मिल जाता है और उसको आप हर स्टेट पर क्या कर सकते हैं, स्टेज पर सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे आपको इस एग्जाम्पल के अंदर दिखेगा। इस वाले एग्जाम्पल में मान लो मैंने एक गुड्स 1500 रुपए का सेल करा, जिस पर मैंने 200 रुपए उस बंदे से लिए जिसे 1500 का माल दिया था। क्लियर? ही परचेज रॉ मटेरियल, रॉ फैब्रिक एंड पेड टैक्स 100 रुपए एंड ही परचेज थ्रेड एंड पेड 50 रुपीज। उसने जब रॉ मटेरियल खरीदा तो 100 रुपए टैक्स दिया, और जब थ्रेड खरीदी मतलब धागा खरीदा तो उसने 50 रुपए दिया। टोटल मिलाकर उसने 150 रुपए टैक्स दिया है। तो उसको मिला कितना था, 200। उसने गवर्नमेंट को दे कितना दिया, 150। तो उसे कितना पे करना है, 50 रुपीज। तो क्या लिखा, एज पर द आईटीसी मैकेनिज्म
200 माइनस 150 पे ओनली 50. ही कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ रुपीज 150 एंड ओनली नीड टू डिपॉजिट आरएस 50 इन टैक्सेस. क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. अगर हम इसको बैक करें तो, और एक चीज और बताएं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इज अ मैकेनिज्म टू अवॉइड कास्केटिंग ऑफ टैक्सेस. आपको पता है कास्केटिंग इफेक्ट? कास्केटिंग इफेक्ट का मतलब होता है अगर तुम एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगा रहे हो उसे कास्केटिंग इफेक्ट कहते हैं. जैसे सपोज मैं ये 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के लाया और मैंने इस पर आपको 20 रुपए टैक्स के दे दिए. क्लियर? जब तुम अगली बार टैक्स लोगे तो 120 रुपए के बाद लोगे ना, जितनी वैल्यू एडिशन करूंगा नहीं. लेकिन मैंने इसको आगे 150 रुपए में बेचा तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे 120 रुपए पर तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन मुझे फिर भी आप 150 रुपए पर टैक्स दो. मतलब आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे हो मुझसे, मैं आपको पहले ही टैक्स दे चुका हूँ फिर भी आप मुझसे टैक्स ले रहे हो. तो उसे कास्केटिंग इफेक्ट बोलते हैं. जब आपको एक प्रोडक्ट पर दो बार टैक्स मिलता है या टैक्स के ऊपर भी टैक्स मिलता है तो उस केस के अंदर आपको उसे कास्केटिंग इफेक्ट कहते थे. ठीक है? कास्केटिंग ऑफ टैक्स इज द सिंपल लैंग्वेज इज टैक्स ऑन टैक्स. मतलब टैक्स के ऊपर अगर आप टैक्स लेते हो उसे कास्केटिंग इफेक्ट कहते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स at the time of paying tax on output, we can reduce the tax which has already paid input. Common सी बात है, output जितना आपको मिला, input आपने जितना दिया उसको minus कर दो, जो निकल के आएगा वो आपको क्या कहलाएगा? Net tax. जैसा हमने इस example में सीखा, 200 हमें मिला, 150 हमने दे दिया, तो हमें only कितने rupees pay करने? 50 रुपीज ओनली पे करने. इसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल में चलें, एक बंदा है जिसने 1500 रुपए का एक प्रोडक्ट बनाया है. जब उसने प्रोडक्ट बनाया तो टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100 रुपीज. उसमें जो कपड़ा लगा उसने 100 रुपए का उस पर टैक्स पे करा, और 50 रुपए का थ्रेड जो धागा लगा उस पर उसने 50 रुपए पे कर, तो टोटल मिला के उसने कितने पे कर दिए? 150. और जब उसने 1500 का माल बेचा तो उसने कितने कलेक्ट करे? 200 रुपए. टैक्स चार्ज ऑन फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट टैक्स 200 रुपीज. टैक्स टू पेड बाय मैन्युफैक्चर रुपीज 200 लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट रुपीज 150, मतलब 100 रुपए और प्लस 50 रुपए 150 रुपए. ठीक है? ओनली 50 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है? यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा. ठीक है? इनपुट टैक्स क्रेडिट 150. तो हमने कितना क्रेडिट कर लिया? 150 रुपए क्रेडिट करा, और 200 रुपए हमने लोगों से लिया था तो हमें कितना ओनली पे करना है? ओनली 50 रुपीज पे करना है. तो यहाँ पर देखो 200 माइनस 150 तो पे कितना करना है? ओनली 50 रुपीज. अगर आगे आए, अब बात आती है इन जीएसटी दे आर 4 टाइप ऑफ टैक्स, यू नो वेरी वेल. सी आपको मिलेगा सी जीएसटी, SGST, IGST और UTGST. इनकी फुल फॉर्म तो जानते हो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. SGST की फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. IGST की फुल फॉर्म इनपुट और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और UTGST की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हाउ वी क्लेम ITC सेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. हम कैसे क्लेम करेंगे और उसे किस तरीके से सेट ऑफ करेंगे इसके बारे में देखना है. सप्लायर या फिर डीलर, अगर उसका बैलेंस पॉजिटिव आता है, इफ बैलेंस इज पॉजिटिव, मतलब 200 में से 150 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 50 रुपए आएगा ना. जब अगर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को 50 रुपए पे करने पड़ेंगे, कैश पेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ITC. और अगर आपका मान लो टैक्स बनता था 250 और आपने लोगों से लिया 200 तो आपको 50 रुपए रिफंड होंगे ना, तो उस केस में बैलेंस अमाउंट ऑफ ITC कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ. क्लियर? अगर आपको पे करना है तो आपको बैंक पे जाकर 50 रुपए पे करने पड़ेंगे और वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और अगर आपका बैलेंस बचता है तो वो आपको
आपके क्रेडिट लेजर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इफ बैलेंस इज नेगेटिव देन द रिमेनिंग बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड ऑन योर क्रेडिट लेजर। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता हाउ वी क्लेम आईटीसी एंड सेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। सेक्शन 40A नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 49 द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी यूटिलाइज टूवर्ड पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज द केस मे बी ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स फर्स्ट बीन यूटिलाइज फुल आउटवर्ड टूवर्ड विच पेमेंट। क्लियर? एज पर रूल इफेक्टिव 1 फरवरी 2019 द फॉलोइंग रूल विल बी अप्लाई फॉर एनी टैक्स पेमेंट मेड। यहाँ लिखा है सेक्शन 49। सेक्शन 49 कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। इसका मतलब होता है सभी रूल को गोली मारो पेमेंट के, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। क्लियर? उसने कहा कि 1 फरवरी को एक रूल पास हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर आपका आईजीएसटी रिमेनिंग आता है तो पहले उसको सी के साथ यूटिलाइज करोगे फिर एस के साथ यूटिलाइज करोगे। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, मैं आपको एक शीट ओपन करता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। ये शीट मैंने आपके साथ ओपन करी जिसके अंदर मैंने यहां से न्यू टैक्स रूल को ओपन करा और जैसे ही न्यू टैक्स रूल को ओपन करा तो गवर्नमेंट ने ये रूल लाया था कि न्यू टैक्स कैलकुलेशन रूल, नया मतलब टैक्स निकालना वो सिंपल सा फार्मूला होता है सेल टैक्स माइनस परचेस टैक्स। ये आपको नेट आंसर देता है कि आपको गवर्नमेंट को कितना देना है और गवर्नमेंट से कितना लेना है। लेकिन फिर आपको ये पता करना है मुझे किस टैक्स में देना है और किस टैक्स में गवर्नमेंट से लेना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कैलकुलेशन। तो आप क्या बोलते हो, सेल का आईजीएसटी माइनस परचेस का आईजीएसटी। अगर आपका आंसर माइनस में आएगा मतलब आपका आईजीएसटी नेगेटिव आता है, मतलब आपको गवर्नमेंट से पैसा लेना है आईजीएसटी में, तो पहले उसको यूटिलाइज करोगे सी के साथ या फिर यूटिलाइज करोगे एस के साथ। और ऐसा नहीं कि आपको सी के साथ ही करना है, आप उसे एस के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं पहले और फिर सीजीएसटी के साथ कर दे। और आप पोर्शन में भी कर सकते हो, अगर आपका 1000 रुपए आईटीसी बनता है ना तो 500 रुपए इसमें यूज कर लो, 500 रुपए इसमें यूज कर लो, चाहो तो आप 400 इसमें यूज कर लो, 600 इसमें यूज कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मेरा आईजीएसटी का इनपुट बचता है तो पहले मैं सी के साथ या फिर मैं पहले एस के साथ यूटिलाइज करूंगा। क्लियर है? तो यही बात यहां लिखी है कि पेमेंट फॉर एसजीएसटी माइनस पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी माइनस आईजीएसटी। क्लियर है? देन उसके बाद आप एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ और सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ। और ऐसे ही अगर आपका और ऐसे ही आप आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के साथ यूज करोगे और फिर सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी के साथ। इस बात को मेरी विशेष ध्यान देना जो मैंने बताया, नेट टैक्स हमेशा बिल्कुल सिंपल होता है सेल टैक्स माइनस परचेस टैक्स। फिर आप क्या करोगे, सेल का आईजीएसटी माइनस परचेस का आईजीएसटी। अगर ये नेगेटिव आता है तो ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे सेल का सीजीएसटी माइनस रिमेनिंग आईजीएसटी अगर ये नेगेटिव आता है। और फिर भी ये नेगेटिव आता है, मान लो ये फिर भी जैसे यहाँ पर 50,000 रुपए नेगेटिव आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ हमने कैलकुलेशन करके मेरा आईजीएसटी 50,000 रुपए नेगेटिव आया, उसके बाद मुझे 25,000 रुपए सीजीएसटी में पे करने थे तो मैं 25,000 रुपए सीजीएसटी में पे करे, फिर भी बचा कितना 25, तो फिर 25 में यहाँ यूटिलाइज कर दूंगा इस तरीके से। क्लियर है? ये आपको फर्स्ट याद रखना है, मतलब पहले सेल के आई को परचेस के आई के साथ यूटिलाइज करना, फिर जितना बचेगा उसको सी के साथ और फिर एस के साथ। क्लियर है? मेरी इस बात को विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
लिखा है मिस्टर हेमंत इज द रजिस्टर्ड डीलर इन न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 द लाइबिलिटीज ऑफ द जीएसटी इज बिलो। उसकी कुछ लाइबिलिटीज है, 60,000 उसको किस में पे करने, आईजीएसटी में, 40,000 सीजीएसटी में और एसजीएसटी में 60,000 रुपए उसे पे करने, जबकि उसके पास 1.5 लाख रुपए आईजीएसटी में है, 10,000 रुपए उसके पास किस में है, सीजीएसटी में, और 10,000 रुपए उसके पास एसजीएसटी में। मैंने इसे नेक्स्ट करा। अब देखो ये एडजस्टमेंट कैसे करेगा। मिस्टर हेमंत इज द रजिस्टर्ड डीलर इन न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 द लाइबिलिटीज ऑफ जीएसटी इज बिलो। क्लियर। उसे 40 पे करने थे तो उसने 1,50,000 में से पहले 60,000 इसमें यूज करे, उसके बच्चे कितने, 90,000 बचा। फिर सीजीएसटी में उसे पे कितना करना था, 40, तो 10 तो उसके पास पहले से पड़ा हुआ था, 10 तो पहले ही पड़ा हुआ है ना उसके पास, तो हम इस वाले को यूज नहीं करेंगे, इस 40 को यहां से यूज करेंगे। तो अगर 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना, 10, और बैलेंस उसके पास कितना बच गया, 10,000 रुपए बच गया। क्लियर। उसके बाद एसजीएसटी में कितना पड़ा पे करना है, 60, लेकिन आईजीएसटी में पड़ा कितना है, 50, तो 50 पहले यूज कर लेंगे, फिर बचा कितना, 10, तो 10 हम एसजीएसटी से पे कर देंगे। क्लियर। तो आपका आईजीएसटी में 0 बचा है, आईजीएसटी में कितना, एसजीएसटी में 0 बचा। सर समझ नहीं आया, दोबारा समझो, मैं बैक करता हूं। आपको 60,000 आईजीएसटी में पे करने थे, 40,000 सीजीएसटी में और एसजीएसटी में 60,000, टोटल मिलाकर आपको 1,60,000 रुपए पे करने थे, और आपके पास आईजीएसटी में 1.5 लाख रुपए बचा हुआ था, सीजीएसटी में 10,000 और एसजीएसटी में 10, टोटल मिला के आपके पास 1,70,000 था और आपको पे करना था 1,10,000 रुपए। तो कॉमन सी बात है, आपको 10,000 तो बचता ही, लेकिन बचा कैसे। सबसे पहले 60,000 की जो पेमेंट करनी थी वो हमने 1.5 लाख में से कर दी, तो बचा कितना आईजीएसटी, 90,000 बचा। फिर हमें 40,000 रुपए की और पेमेंट करनी थी, किसकी, सीजीएसटी की, लेकिन हमारे पास 10,000 रुपए था सीजीएसटी में, तो हमने उसके साथ पेमेंट ना करके किसके साथ पेमेंट करी, आईजीएसटी के साथ, तो हमने बोला 90,000 माइनस 40, तो बचा कितना, 50। इसके बाद हमें एसजीएसटी में 60,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, लेकिन मेरे पास बैलेंस कितना था, 50,000 रुपए, तो मैंने पहले 50,000 रुपए आईजीएसटी के यूटिलाइज कर लिए, तो बचा कितना, 10, तो बाकी 10 मैंने किसके साथ एडजस्ट कर दी, एसजीएसटी इनपुट के साथ। तो 50,000 फ्रॉम आईजीएसटी एंड 10,000 फ्रॉम एसजीएसटी विद सेम है। क्लियर है। तो इस तरीके से करना है। इन दिस केस नो टैक्स लाइबिलिटीज विल बी पेड बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज इज एडजस्टेड विद आईटीसी। अब इस केस में आपकी कोई पेमेंट नहीं बचती क्योंकि आपने सारी एडजस्टमेंट अपने आईटीसी के साथ कर ली। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, हाउ टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, दे आर सम प्रिपरेशन बिफोर क्लेम। आपको आईटीसी ऐसे नहीं मिलेगा, आपने माल खरीदा तो आप आईटीसी ले लो, सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आप ये चार बातें मान लो। सबसे पहले, अ वैलिड टैक्स इनवॉइस ऑफ परचेज और डेबिट नोट इश्यू बाय रजिस्टर्ड डीलर इज मस्ट। सबसे पहले तुम्हारे पास बिल होना चाहिए उसका आईटीसी लेने के लिए। दूसरा, रिसिपिएंट शुड हैव रिसीव गुड्स एंड सर्विस, और एक्चुअल में तुमने ना गुड्स और सर्विस रिसीव करे हो, ऐसा ना हो कि उसने फेक बिल बनाया और तुम उसका आईटीसी लेने बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइन में तुमने उसका क्लेम कराओ, जेन्युइन में तुमने उसका माल खरीदा हो, तब पहली दो बातें आपके पास बिल होना चाहिए, दूसरी बात आपने एक्चुअल में गुड्स या सर्विस खरीदी होनी चाहिए। क्लियर। तीसरा, सामने वाले ने अपनी रिटर्न भर दी हो, सामने वाले ने अपनी रिटर्न भर दी हो, सप्लायर हैज फाइल्ड रिटर्न, और चौथा पॉइंट है द टैक्स चार्ज ऑन परचेज हैज बीन डिपॉजिट पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लाई इन कैश और वाइस से क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कॉमन सी बात है, दो बातें सिंपल थी, बिल होना चाहिए और एक्चुअल में गुड्स खरीदा होना चाहिए। तीसरी, सप्लायर फाइल द रिटर्न, सप्लायर ने रिटर्न भर दी हो जिससे आपने माल खरीदा, और चौथी, उस रिटर्न का उसने टैक्स भी पे कर दिया हो, ऐसा ना हो कि उसने अपनी जीएसटीआर तो वन भर दी, उसने अपनी जीएसटीआर वन तो भर दी लेकिन 3B से टैक्स पे नहीं करा या टैक्स को एडजस्ट नहीं करा,
तो जब तक ये चार बातें आप पूरी नहीं करोगे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बिल होना चाहिए, सामने वाले ने एक्चुअल में गुड्स खरीदा होना चाहिए, तीसरा जिससे आपने माल खरीदा उसने अपनी रिटर्न भर दी, और चौथा उस रिटर्न का टैक्स गवर्नमेंट को या तो कैश के रूप में जमा करा दिया हो या फिर आईटीसी के थ्रू गवर्नमेंट को उसने जमा करा दिया। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़े। अब सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी। सप्लायर आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लेम आर रिफंड। अब सप्लायर जिसने माल खरीदा है उसके पास अगर आईटीसी बचता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू हैव अनक्लेम इनपुट क्रेडिट ड्यू टू टैक्स ऑन परचेज बीन हायर एंड देन टैक्स ऑन सेल लोअर रेट। मतलब कहने की कॉमन सी बात है, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 18% पर, लेकिन जब मैं उसे बनाकर बेचता हूं तो 12% लगता है, तो हमेशा मेरा आईटीसी ज्यादा होगा ना, मेरा आईटीसी ज्यादा होगा। अगर मैं तुमसे कोई आइटम 18% पर खरीद के तुम्हें 18% के हिसाब से टैक्स दे रहा हूँ, और जब मैं उस आइटम को उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके बना के बेचता हूँ तो मुझे 12% टैक्स देना पड़ता है, तो 6% तो हमेशा मेरे पास बचा ही रहेगा, तो वो क्या होगा, हर बार कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। दूसरा, इनपुट टैक्स कैन बी अवेल्ड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट विच आर ऑन एग्जेम्प्टेड या फिर नेगेटिव। आप उन चीजों का आईटीसी बिल्कुल नहीं लोगे, या तो वो एग्जेम्प्ट हैं या फिर गवर्नमेंट की शेड्यूल 3 या नेगेटिव लिस्ट में आती है। अगर मैं आपको एग्जेम्प्ट गुड्स दूंगा तो क्या आप आईटीसी ले सकते हो? नहीं लोगे। या मैं आपको ऐसी सप्लाई करता हूं जो गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में रखी है, तब भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तब भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। अगर तुम कोई फिक्स असेट्स खरीदते हो जिसका मेन पर्पस सेल करना नहीं होता, तब भी तुम्हें उस पर आईटीसी मिल जाएगा। और फोर्थ, इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस। अगर तुम कोई पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीदते हो, सपोज मुझे टीवी खरीदना था घर के लिए, मैंने अपना जीएसटी नंबर देके टीवी खरीद लिया, तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल पर्पस है ना कि मेरा बिजनेस पर्पस है। तो प्लीज याद रखना इस पॉइंट को। लोग ऐसा भी करते हैं कि उनका पर्सनल पर्पस होता है तब भी वो आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, तो जिस दिन गवर्नमेंट को पता चलेगा वो आपके लिए फिर टेंशन वाली बात हो सकती है। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट बात, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, शैल बी अलाउड आफ्टर जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड फॉर सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस पर्टेन और फाइलिंग टू द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आपको कॉमन सी बात पता है कि अगर मैं अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया है 19-20, इस बिल को मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं सितंबर मंथ या फिर जीएसटीआर 9, जो दोनों में से पहले हो, तो इसीलिए आपको भी आईटीसी तभी तक मिल सकता है। कब तक? या आप उसको सितंबर मंथ से पहले क्लेम कर लो या फिर जीएसटीआर 9, जो दोनों में से पहले हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको, आपने कोई बिल खरीदा अप्रैल में 2019 में, लेकिन तुम उसका आईटीसी लेना भूल गए, गवर्नमेंट ने कहा भूल गए ना, आप इस साल खत्म हो जाने दो 19-20, जो 20-21 आएगा उसके सितंबर तक आप उसका क्लेम कर सकते हैं या फिर जीएसटीआर 9 विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। क्लियर है? इस बात को याद रखना कि अगर कोई मेरी जिस साल गलती होगी उसके नेक्स्ट ईयर सितंबर या फिर जीएसटीआर 9, जो दोनों में से पहले हो। क्लियर? और दूसरा पॉइंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन
on purchase invoice which are more than 1 year old period is calculated from the date of tax invoice. मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था. अब मैं रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं तो, और मैं ये चाहता हूं मेरे पास जितना पुराना स्टॉक पड़ा है मुझे उसका आईटीसी मिल जाए. गवर्नमेंट ने कहा आपको मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि कोई भी बिल या कोई भी माल 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए. अगर आपके बिल की वैल्यू 1 साल से पुरानी होगी तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. क्लियर है? इस बात को आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, मुझे आईटीसी लेना है. अगर मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बन रहा हूं तो मेरे बिल की वैल्यू 1 लाख मतलब 1 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इन दो बातों को विशेष ध्यान रखना. पहली बात कहती है कि अगर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 19-20, तो इसके अंदर कोई भी गलती होगी तो नेक्स्ट ईयर का 2021 में जाओ, या तो सितंबर मंथ या फिर और GSTR 9, जो दोनों में से पहले हो, तब आप क्लेम कर सकते हो. और अगर दूसरा, अगर तुम किसी बिल का क्लेम करना चाहते हो तो उस बिल की वैल्यू 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए. क्लियर? अब सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर. ठीक है, वेयर गुड्स आर रिसीव इन लॉट, अगर आपके पास माल लॉट्स में आते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में आते हैं. जैसे अगर मुझे लिफ्ट लगानी है तो लिफ्ट का माल एक बार में नहीं आता, वो कई ट्रकों में आता है, 4 ट्रकों में, 2 ट्रक में, 3 ट्रक में. तो उस केस में वेयर गुड्स आर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, या फिर लॉट, क्रेडिट विल बी अवेलेबल. क्रेडिट कब मिलेगा आईटीसी का? अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस अपॉन अवेलेबल अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस अपॉन रिसीप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. मतलब अगर आपका माल पार्टीशन में आता है, इंस्टॉलमेंट में आता है या फिर लॉट में आता है, तो उस बिल का आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आपका वो लास्ट लॉट आएगा उस बिल का. क्लियर है? तो याद रखना, अगर आपका माल लॉट में आती है, इंस्टॉलमेंट में आता है, जो जब उसका लास्ट लॉट आएगा उस माल का, तभी आपको पूरे माल का आईटीसी मिलेगा. इसके बाद वेयर रिसिपिएंट डज नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्विस और देयर, क्या लिखा दोबारा, वेयर रिसिपिएंट डज नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्विस और टैक्स देयर ऑन विद इन 3 मंथ ऑफ इश्यू invoice and he has already availed input tax based on the invoice, the said credit will be added to his output tax liability along with interest. अगर मैंने आपसे कोई सर्विस ली है, सर्विस के बाद मैंने आपको बिल भी बनाकर दे दिया, लेकिन उस बिल की पेमेंट मैंने 3 महीने तक नहीं करी, तो जो मैंने आईटीसी गवर्नमेंट से लिया था वो मेरी लायबिलिटीज, मेरा जो आईटीसी लिया था वो मेरी लायबिलिटीज बना देंगे. मतलब मैंने आपसे कोई सर्विस ली 1000 रुपए की, आपको 180 रुपए टैक्स का दिया, लेकिन सामने वाले ने अपनी रिटर्न नहीं भरी या सामने वाले ने इस पैसा गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया, तो जो मैंने उसका आईटीसी लिया था वो आईटीसी मैंने जो क्लेम करा था वो मेरी लायबिलिटीज बना दी जाएगी. वो क्या बना दी जाएगी? मेरी लायबिलिटीज बना दी जाएगी. क्लियर है? तो इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है. ठीक है, वेयर रिसिपिएंट डज नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्विस
ऑन और टैक्स देयर ऑन विदिन अ 3 month ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड इनपुट टैक्स बेस्ड ऑन द इनवॉइस द सेट क्रेडिट विल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज अलोंग विद इंटरेस्ट. क्लियर? आईटीसी एप्लीकेशन. ठीक है, अब आपके सामने एक ऐसा रूल आता है कि जिनमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. आईटीसी इज नॉट अवेल इन सम केसेस एज मेंशन इन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. सम ऑफ देम आर एज बिलो. कह रहा है कि कुछ चीजों का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में है. क्लियर? द व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर आप कोई व्हीकल खरीद के लाते हैं अपने ओन यूज के लिए तो उसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा. या आपकी कंपनी, आप कंपनी के नाम से कोई व्हीकल खरीद के लाते हो तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम उस व्हीकल को अपने ऑफिस में यूज करोगे या फिर अपने पर्सनल पर्पस के लिए करोगे. तुमने कहा नहीं सर मैं इसमें ऑफिस में यूज करूंगा, लेकिन आप उसी गाड़ी को कहीं और लेकर घूम रहे हो. तो गवर्नमेंट ने कहा हम कभी भी तुम्हें कार का आईटीसी नहीं देंगे अगर वो किस में नहीं लगा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में नहीं लगा है. तब अगर वही गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लगा होगा तो गुड्स के अंदर तो तुम्हें उसका आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन पर्पस तुम्हारा वही होना चाहिए. तुम ट्रांसपोर्टेशन करते हो, गुड्स को लाने और ले जाने का काम करते हो, तब आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. मतलब अगर मैं नॉर्मल डीलर हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं गुड्स का तो मुझे आईटीसी मिलेगा. लेकिन सर अगर मैं कार खरीद के लाता हूं, कार पे अगर कोई इंश्योरेंस कराता हूं तब भी मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लो. मतलब इससे रिलेटेड जो भी पार्ट होंगे उन सभी का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. क्लियर? लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है कार का इंश्योरेंस करना, तब तो आईटीसी मिल जाएगा. ठीक है, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, जो बताई गई सर्कमस्टेंसेस है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर करते होगे तुम्हें उसका आईटीसी मिल जाएगा, और अदर देन उसके बाद आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. द व्हीकल इज यूज फॉर द सप्लाई अदर देन व्हीकल और कन्वेंस, तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा. साथ साथ अगर तुम क्या करते हो व्हीकल की, द व्हीकल इज यूज फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग फ्लाइंग नेविगेशन एंड सच व्हीकल और कन्वेंस. अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहां आप व्हीकल सिखाते हैं, ठीक है, जहां आप व्हीकल सिखाते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे प्लेन हो या फिर कुछ और भी मोटर व्हीकल हो, तो उसमें तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा. सपोज मेरा एक स्कूल है जहां मैं ड्राइविंग सिखाता हूं, लेकिन उसी पर्पस से मैं कोई व्हीकल खरीद के लाया हूं. मैं कार खरीद के लाया हूं लेकिन मेरा मेन पर्पस है लोगों को ट्रेनिंग देना, तब तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा. चाहे वो ट्रेन का तो नहीं मिलेगा, आप प्लेन खरीद के लाओ, ठीक है, कार खरीद के लाओ, तो आप उन चीजों को आईटीसी ले सकते हैं. इसके बाद द रूल शेल नॉट बी अप्लाई इफ द व्हीकल इज द रूल शेल नॉट अप्लाई इफ द व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. अगर ये रूल तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर तुम पैसेंजर को लाने और ले जाने का काम करते हो. आपकी कंपनी है जो पैसेंजर को लाने और ले जाने का काम करती है, लेकिन पैसेंजर की कैपेसिटी 13 बंदे से ज्यादा की होनी चाहिए. मतलब अगर मैं पैसेंजर का काम करता भी हूं ना, या मैं अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा हूं, तो उस केस में उस गाड़ी में कम से कम 13 या 13 से ज्यादा लोग बैठते हों, तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा. इसके बाद अगर आप
फूड एंड बेवरेज, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई खाना खाते हैं तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप आउटडोर कैटरिंग करवाते हैं, मतलब आपके घर में किसी की शादी थी, आपने अपना जीएसटी नंबर देके उस आईटीसी का क्लेम लेना चाहोगे, तब भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आप किसी की क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। रेंट आ कैब कैब का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, तो उसका भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या आपने कोई कॉस्मेटिक का काम करवाया, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जल गए, जलने के बाद आपने प्लास्टिक सर्जरी कराई, तब तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्ट वेयर इज द ऑब्लिगेटरी फॉर इन एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ, अगर वो किसी किसी और लोग के बिहाफ से आपको फोर्स नहीं करता तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंड टू द एम्प्लॉय ऑन द वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। आपने लीव ट्रेवल कंसेशन सुना होगा इनकम टैक्स में, अगर आपकी कंपनी आपको कोई लीव ट्रेवल कंसेशन देती है तो तुम्हें उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन चीजों का कोई भी काम करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ध्यान दो, यहां था ए, यहां हो गया बी, और अब आएगा आपका नेक्स्ट सी। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन द सम केसेस एज मेंशन इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, सम ऑफ देम आर एज बिलो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन स्पेसिफ सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज इन इनपुट सर्विस और सॉरी फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैंने आपको ठेका दे दिया, मैंने कहा इस क्लासरूम को बड़ा कर दो, आपको क्या लगता है, मैंने आपसे बिल तो बनवा लिया इस क्लासरूम का वाइट बोर्ड करवाने के लिए, वाइट वॉश करवाने के लिए, लेकिन कहा बिल बनवाया यहाँ का, लेकिन मैं अपने घर का वाइट वॉश करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन दिखाना था लेकिन मैं अपने घर का कर रहा हूँ। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि हमें आपको उन चीजों का भी आईटीसी नहीं देंगे, लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी होगी तब आईटीसी मिल जाएगा। मतलब अगर मैं कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी का होगा तो उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा। लिखा है गुड्स और सर्विस रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी इवन व्हेन यूज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो आपके बिजनेस के अंदर यूज होता है, देन आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। आ जाओ EFGH, गुड्स एंड सर्विस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप एक कंपोजिशन वाले और आपने कोई टैक्स पे करा है, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस यूज फॉर प्राइवेट और पर्सनल कंजम्पशन, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस खरीदी है जिसका मेन पर्पस या तो प्राइवेट पर्पस था या फिर उसका पर्सनल कंजम्पशन था, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट स्टॉलन डिस्ट्रॉय राइट ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, मैंने कुछ सप्लाई करी, मैंने कुछ माल खरीदा खरीदा खरीदने के बाद उसे स्टोर करके रख लिया, उसका आईटीसी ले लिया, बाद में गवर्नमेंट से कहा गवर्नमेंट वो गुड्स चोरी हो गए, वो जल गए, वो खो गए, मुझे उसका आईटीसी रिफंड कर दो। गवर्नमेंट ने कहा हम पागल हैं कि तू वो गुड्स खरीद के ला रहा है, लोगों को फ्री सैंपल के रूप में बांट रहा है और तू हमसे उसका आईटीसी मांग रहा है, हम तो उसका आईटीसी नहीं देंगे। मतलब अगर आप कोई गुड्स खरीद के लाते हो, अगर वो जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में भी देते हैं, तो आपने जिसका आईटीसी क्लेम करा था वो आपको वापसी करना पड़ेगा।
मतलब अगर मैं ऐसा कोई गुड्स खरीद के लाता हूं जिसका मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, जिसका मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया लेकिन बाद में उसे लॉस दिखाता हूं या स्टोलन बोलता हूं या उसे डिस्ट्रॉय बोलता हूं या उसे राइट ऑफ करता हूं, गिफ्ट और फ्री सैंपल करता हूं, तो मुझे उसका आईटीसी जो लिया था वो मुझे वापसी करना पड़ेगा। क्लियर है? एनी टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ फ्रॉड सप्रेशन और मिस डिक्लेरेशन सीजर, और ठीक है, तो उस केस में आपको आईटीसी वापसी करना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर तुमने कोई आईटीसी क्लेम कराए फ्रॉड से, ठीक है, गलत डाटा पेश करके या फिर उसको किसी दूसरे तरीके से, तो जो आपने आईटीसी लिया था वो आपको वापसी करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने आईटीसी लिया था उसे वापसी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। आईटीसी ऑन जॉब वर्कर, अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर मे सेंड गुड्स फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग टू अ जॉब वर्कर। अगर आप एक प्रिंसिपल हो, इसलिए मतलब आप किसी को माल बनाने को दे रहे हो, तो जब आप किसी को माल बनाने को दोगे तो तब तो टैक्स लगता नहीं, जब वो बना कर देगा तो वो टैक्स चार्ज करेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंड्स हाफ मेड गारमेंट टू जॉब वर्कर। मैंने क्या करा, एक हाफ मेड गारमेंट थी, मतलब आधा बना हुआ सामान किसी जॉब वर्कर को भेजा, जिसमें हु विल स्टिच द एसेसरीज एंड एम्ब्रॉयडरी। उसने उस पर क्या करी, स्टिच करी मतलब सिलाई करी और उस पर एम्ब्रॉयडिंग करी। इन सच अ सिचुएशन द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर विल बी अलाउड टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्कर। क्लियर है? तो उस केस में मैन्युफैक्चरर और प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम कर सकता है। ITC will be allowed in both the cases when goods are sent to job worker from principal place of business to the job worker, directly from the place of the supply of the supply of such goods। अगर कोई प्रिंसिपल का माल डायरेक्ट किसी को बेचता है, मतलब मैं प्रिंसिपल हूं आप मेरे जॉब वर्कर हो, अगर आप मेरे जॉब वर्कर हो और आप अपने पास से डायरेक्ट माल सेल करना चाहते हैं, तो दो सिचुएशन, या तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्लियर, या फिर आपकी जो लोकेशन है जहां आप स्टिचिंग करते हैं, जहां आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो लोकेशन मेरे जीएसटी नंबर पर ऐड होनी चाहिए एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप मेरे बिहाफ से कोई गुड्स बेचना चाहते हैं तो दो बात, या तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या आपका जो एड्रेस है वो मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड होगा, तभी मैं ऐसा कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर? आ जाओ, अब आता है ISD। ISD का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मान लो मेरी एक कंपनी है JR फैशन, अब मैं अपनी कंपनी को ITC को आगे पास ऑन करना चाहता हूं अपनी तीनों ब्रांच में, तो मैं कर सकता हूं, लेकिन कैसे, जब मैं ISD बनूंगा। इन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी द हेड ऑफिस मोस्टली और ब्रांच ऑफिस और रजिस्टर ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST। ISD कलेक्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन ऑल द परचेज मेड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स अमंग ऑल द रिसिपियंट ब्रांच अंडर डिफरेंट हेड लाइक CGST, SGST, UTGST, IGST और सेस। कॉमन सी बात है, अगर मेरी ब्रांच ने कोई ITC लिया, सपोज मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने कोई ITC क्लेम करा, अब मेरा यूज तो होता नहीं है, मैं उस बचे हुए ITC को
किसी दूसरे को पास ऑन करना चाहता हूं, किसी दूसरे को पास ऑन करना चाहता हूं या अपनी ब्रांच को देना चाहता हूं, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे किसको पास ऑन करना है, अपनी ब्रांच को पास ऑन करना है, तो उस केस में पास ऑन कर सकता हूं। कैसे? लेकिन मुझे सबसे पहले एक नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और जीएसटी को आईएसडी की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। किस कैटेगरी में डालना पड़ेगा? आईएसडी की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। चले ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस, अगर मैं अपनी कंपनी को मर्ज या फिर अमलिमेशन कर देता हूं, दो कंपनी मिलाकर एक कंपनी बनाना चाहता हूं, तो उस केस में जब दूसरी कंपनी का जो आईटीसी खत्म हो रही है, जो कंपनी उस कंपनी में बचा हुआ आईटीसी मैं दूसरी कंपनी में ला रहा हूं, तब भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। दिस अप्लाइज इन केस ऑफ द अमलगमेशन मर्ज ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस, द ट्रांसफर विल बी हैव अवेलेबल आईटीसी व्हिच विल बी पास टू द ट्रांसफरी एट द ट्रांसफर ऑफ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर मैं जब अपना बिजनेस ट्रांसफर करूंगा तो उस समय में आईटीसी को क्लेम कर सकता हूं। क्लियर? अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया, फुल मीनिंग ऑफ आईटीसी। तो इनपुट ट्रांजेक्शन क्रेडिट, इनपुट ट्रांसफर क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टाइम क्रेडिट, तो आपको पता है इसका आंसर होगा सी। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। आज के सेशन में हमने आपके साथ आईटीसी में डिस्कस करा कि आईटीसी का मतलब क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आज हमने आईटीसी को आपके साथ फिनिश कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।